ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ थैंक यू सो मच ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੇਲੀ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ वीडियो का टाइटल देख के मैनू ऐसा समझ आया कि कुछ बहुत ही इमोशनल बयान है हेडिंग भी आई सी कि मोस्ट इमोशनल बयान ऑफ रिज़वी साहब ते चलो देखने हैं मैं कभी सुनया नहीं है ना नु तुसी भी नहीं सुनया नहीं सुनया ते देखने हैं कि की वो समझाना चाह रहे ने क्योंकि मोस्टली मैनू लगता है कि कुछ अल्लाह से रिलेटेड होएगा कुछ इस्लामिक होएगा क्योंकि इमोशनल बयान मोस्टली ऐसी तरह दे ने ते चलो सुनने हैं कि वो की समझा रहे ने अगर तुसी हुण तक साडे चैनल नु सब्सक्राइब नहीं कीता ते पहले जाके सब्सक्राइब कर इंशाअल्लाह फिर भी मौका बनया तो असीं हुज़ूर दे दीन ऐवें नहीं आना लेकिन एक गल मेरी तुसी याद रखनी ऐ सुत्या सुत्या दीन नहीं आना मेरी तकरीर सुनन तो बाद जाके तो ओ जी किंज मौलवियां लियाना है ओ मौलवियां नूं की पता हुकूमत करन दा तुसी मौलवियां नूं आण तां दिओ मैं तुहानूं सच्ची इह गल कर रहा ऐ ते 50 किस्म दे तुहाडे कोल टैक्स लैंदे ने फैक्ट्रियां कोलों इस्लाम ने टैक्स नहीं लवेगा सिर्फ कहेगा 2.5% ज़कात दिओ हाँ सिर्फ 2.5% इस्लाम लैके तुसी वेखना तां सही ज़कात लैण वाला कोई नहीं होना तुसी उशर लवेगा इस्लाम सदके लवेगा खैरात लवेगा फितराने लवेगा ऐ जी सेल टैक्स ते फलाने टैक्स कौम नूं तबाह करके रख दिता मौलवी 50 लाख एक दिन का खर्चा है वजीर आजम हाउस का सदर हाउस का कितना होना है ते जनाब वजीर आला हाउस का गवर्नर हाउस का कितना होना है इन्हां गुंडियां दे खर्चे एक दिन बंद कर दो अद्धा कर्ज दा उस दिन लै जाएगा पाकिस्तान मैं तो ना सच्ची गल ये तो इस्लाम गाला मैनू कट दे असल तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं भाई इस्लाम दी गल्लां करना इकबाल कहता है जानता हूं मैं इबलीस की शूरा इबल मजलिस शूरा बुलाई इबलीस ने उहदे विच ट्रंप भी आया मोदी भी आया इसराइली भी आया हाँ यमा वो जनाब दूसरा बरतानिया वाला भी आया कनेडा वाला भी आया तो कहने लगा जानता हूं मैं कि ये उम्मत हाँ मिले कुरान ही इकबाल ने ना ये दल क्या इबलीस का खिताब मजलिस शूरा कहना जानता हूं मैं कि ये उम्मत हाँ मिले कुरान ही ये रात की तिलावत सुन के झूमण के सही लेकिन सवेरे कहन के कुरान का निजाम किन जाने कुरान की गल कभी नहीं वह कहते एवं बोली खादिम लगा आंदा कुरान कहता जानता हूं मैं कि उम्मत हाँ मिले कुरान ही है वही सरमायादारी बंदा है मोमिन कदी 70 साल हो गया कुरान नाल मजाक कर दें 70 साल हो गया कुरान नाल मजाक कर दें ओ वजीर आला जड़ा उसने गल भी ना सुनी हो जैनब के प्यो की वो स्पीकर अपने हाथ नाल बंद किया एडा भी कोई होना बड़ा फिरौन के मजलूमा ते मकतूला बची ते मजलूम प्यो उन्हें गल करन दी भी इजाजत ना होवे ते मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करना ना ओ ते हजरत उमर नूं मिंबर उत्ते पुछ लैना दसो जी ए कुर्ता कित्थों बणिया ए ते मतलब सहाबा ते पूरी उम्मत सहाबा दी गर्दे राह नूं नहीं पहुंच सकती ते जदों हजरत उमर दी शाना जाए बंदे को पुछा जा सकदा है कित्थों बणिया जी कुर्ता ते हजरत उमर ए ना फरमान नप लो इहनूं पता नहीं मैं उमर हां एक मजलूमा बची थी ते मकतूला बची ते बंद प्यो दी गल भी ना सुने अपने हाथ नाल स्पीकर बंद कर देवे जेड़ा ओदा नाल एड़ा जालिम है ते तुहाडे मेरे नाल कितना जालिम होना होगा तुहाडे बारे मेरे ओदे की नजरियात होने कि इस कौम नूं किस तरह बर्बाद करना ते जिन्हां नूं नहीं ना समझ आंदी उन्हां नूं साडी गल नहीं उन्हां नूं कुरान हदीस भी नहीं समझ आंदा हां उन्हां नूं मसला खत्म नबूवत भी नहीं समझ आया हां जी इस तो बाद भी जिस बंदे नूं नामूसे रिसालत दा मसला समझ नहीं आया ओ मौली खादिम दे घाटे लगदा मुड़ के कि जनाब नहीं 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 मौली खादिम डाडियां गल्लां करना मैं आखा जलिया डाडी गल ये नहीं करदा मैं तो ओही कुछ बयान करना जेड़ा कुरान ते हदीस च मौजूद है हां जी तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत इकबाल बोलिया कहने लगा तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुवाफिक तदरवा नहीं दीने शाहबाजी इकबाल कहंदा ओए ते शाहबाजां दा दीन सी तू बदलिया ना शरीयत भी बदल गया ए शाहबाजां दा दीन बटेरियां दे मुवाफिक ते नहीं ना हो सकदा हाँ जी मैं जिस दीन दियां गल्लां करना ओते हजरत उमर नूं नप लैंदा हां मैं जिस दीन दियां गल्लां करना ओते हजरत उमर दे सामने माई गल करे ते हजरत उमर रो पैंदे माई गल की थी हजरत उमर मुल्क शाम तो वापस आ रहे अब्दुल्ला बिन मसूद भी नाल ते मौला अली भी नाल हजरत उमर फरमान लगे यार तुसी अलहदा हो जाओ मैं अपनी रियाया की खबर लवा उमर के बारे इन्हों का की ख्याल है हजरत उमर चलते चलते एक माई बुढ़ी के खैमे चले गए
माई हुरी उथे बैठे, फरमाया माई उन्हें नहीं पता माई नू यही उम्र, उन्हें कहा माई जान दी उम्र किथे, उन्हें कहा सुनया मुल्क शाम गया, इस तो ज्यादा मैं जरूरत भी कोई नहीं उम्र के बारे कोई जानन दी। हजरत उमर चौंक है, फरमाया माई खैर है उम्र नाल इतनी नाराज है? उन्हें कहा नाराज नहीं होना, जदों तो हुक्मरान बनया मेरे खैमे खबर लैनी नहीं आया। हजरत उमर फरमान लगे माई तेन पता नहीं इतनी वड्डी सल्तनत होती ते तेरे खैमे किवें उमर आ सकता सी? ते माई ने कहा उमर नूं जाके पैगाम देवी उतनी सल्तनत रखे जिदे खैमे जा सकदा, बाकी छड़ दियो। ए माई ने हजरत उमर के सामने गल की, पता है फिर हजरत उमर ये नहीं फरमाया भाई नप लो माई नूं, फरमाया वाह उमर आप उत्थे खड़े होके रोन लग पे, ते फरमाया वाह उमर वाह उमर, फरमाया वाह उमर वाह उमर, ए माई तेरे नाल डाडी गल कर गई। माई की गल सुन के जिन्हां दी निगाह नाल सूरज भी बेनूर होवे इतना जलाल होवे जिदा हथ दरियाए नील सुटिया जाए तो वह भी चल पवे, जमीन उत्ते डंडा मारन ते जमीन हिलती बंद हो जाए ते तेल रुड़िया होवे ते लौंडी रो रही होवे ते फरमाओ जमीन तेल बाहर कढ, इतनियां शाना दे मालिक कौन? ते माई गल करे ते उमर रो पवे, तो भी खैमे वाली माई। मैं इस इस्लाम दीआं गल्लां करना, ऐ इस्लाम तख्त उत्ते आएगा ते गरीबां दी गल होगी। बस मैं कभी भी नहीं कहा मौलवियों नूं लियाओ पीरां नूं लियाओ फलाने नूं लियाओ, मैं कहिंदा मुहम्मद अरबी दा दीन लियाओ, बस उस दीन तख्त उत्ते लियाओ। हां बिल्कुल, असी तुसी जेड़ी ड्यूटी लाई मैं मौली खादिम दी डी चौक के झाड़ू दे, तुसी कहने झाड़ू दे थे मैं झाड़ू दे दूंगा, असानू की करना है? खुदा ने वो बंदे उत्ते आओ हुजूर दा दीन लियाओ। सिद्दीक अकबर दुनिया तो जान लगे ते दो चादर फरमाया नवियां ले लेना, एक चादर आपकी बीमारी की हालत जुते पई सी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने फरमाया धो के मैं पवा देना। उम्मुल मोमिनीन रो पई, उन्हें कहा अब्बा जी असं इतने कमजोर नहीं ना तुहानू पूरा कफन ना दे सकीए, फरमाया बेटी नहीं जिस मकाम ते मैं जा रहा उत्थे कपड़े नहीं पूछे जाते कि केड़े पा के तू आया, इतनी शाना दे मालिक होवन इस्लाम मकरूज होवे क़यामत तक। सिद्दीक अकबर दा हुजूर फरमांदे मैं सारे दे कर्जे उतारे, सिद्दीक का कर्जा नहीं उतारिया, इतनी शाना दे मालिक होवन। हजरत उमर कमन दिल नाली नेकी दे दे, जदों तू मुर्तदीन दे खिलाफ लश्कर भेजा ते मुनकरी ने खत्म नबुवत दे खिलाफ ओ नेकी दे दे, या गार वाली नेकी दे दे, उमर दियां सारियां नेकियां लै लै, इतनी शाना दे मालिक होवन। ते दुनिया तो जांदियां कमन नहीं नहीं मैनू कपड़े अच्छे नहीं चाहिए, ये तो कब्र च पूछा जाएगा सिद्दीक दे अमाल केड़े। मैं उस इस्लाम दी गल करदा, अफजलुल खल्क बाद रसूल उमर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर तनखा लईए, पता है तुहानू तनखा लै के, लेकिन तनखा कितनी लई जिहड़ी आम एक मजदूर की तनखा सी मदीना मुनवरा च, इन्हां दीआं गुंडागर्दियां ही नहीं मुकदियां, बाहर जाके एक एक लख डालर की रात एक एक कमरे च गुजार दे, जिस कौम के थर के बच्चे भुखे मर रहे होवन। सिद्दीक अकबर एक दिन अपनी बीवी नूं क्या फरमाया मिठे ते दिल करदा, उन्हें कहा मिठा कित्थों लिया, तनखा ही नहीं इतनी लभदी, मिठा तो मैं नहीं पका सकती। कुछ अरसे बाद सिद्दीक अकबर के सामने उन्हें मिठा रखा, फरमाया आज ये मिठा कितों आ गया? उन्हें कहा जी तनखा लभदी ना थोड़ा थोड़ा मैं बचाती रही। सिद्दीक अकबर मिठा नहीं खादा, उठ के चले गए बैतुल माल के खजानची को, फरमाया सिद्दीक की इतनी तनखा कम कर दो। मैं इस इस्लाम को तवज्जो जी तवज्जो, सहाबा दे जायके जबान ते नहीं सन, तुहाड़े मेरे को भी किस्म के खाने खाइए ता जायके बदलने, भी किस्म के कपड़े पाइए ता जायके बदलने, सहाबा कोई समझते कोई मखलूक ही और सी? ना ना, वही जनाब 6-7 फुट के सहाबा दे कद सन, हाँ जी उन्होंने भी बच्चे सन, उन्होंने जबाना के जायके भी सन, वह हुक्मरान भी सन, सल्तनत भी हुई, कैसर किसरा भी फतेह हो, 36 पैबंद लगे हुए। हजरत उमर बैतुल मुकद्दस चले गए, 36 पैबंद लगे सन, जो माई नाल गल कर रहे सन उस वे खैमे में 36 पैबंद लगे हुए सन। माई जो हजरत बाद आए ना अब्दुल्ला बिन मसूद थे हजरत अली, उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन, ते माई चौंकी, माई सिर नु हाथ मारन लग पई, मैं उमर दे सामने इतनी डाड़ियां गल्लां कीतियां, पर मैं माई नहीं 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 तेरा हक बनदा सी तू उमर दे खिलाफ गल कर दी, उमर आया जी नहीं तेरे खैमे, धी भी कतल हो जाए ज्यादती तो बाद कतल हो जाए, उसके प्यो की गल सुनना भी रवादार ना होवन, ऐ तुसी चाहते हो? ओहो निघी चादर तान के सो गए पाकिस्तानी, निघी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए, लुटन वालिया रज के लुटिया, जागन वाले जान के। खादिम रिजवी साहब जी का यह बयान जो उन्होंने दिता है कि जो इस्लाम दी जो कुरान दी इंपॉर्टेंस है ओदे बराबर कुछ भी नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने या राजनेता ने
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਆ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆ ਜੋ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਈਏ ਔਰ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਈਏ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਮੇਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ